सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि हम लोग आप लोग की रिविजन क्लासेस को लेकर के आए हैं और आप लोगों के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास लेकर के आए हैं। लगातार आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों का हर एक चैप्टर बिल्कुल रिवाइज हो जाए और आप लोग का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना। दोस्तों, हिंदी विषय में आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है ध्वनि का अध्ययन। इसमें हम ध्वनियों, वर्णों के जो अलग अलग वर्णों को विभाजित किया गया है स्वर व्यंजन में, उनके प्रकारों में, उन सभी के विषय में हमने इस चैप्टर में अध्ययन किया है, तो इसी के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। दोस्तों, हम लोग सभी विषयों को इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, सभी विषयों का रिवीजन करा रहे हैं, तो अगर आपने और विषयों के रिवीजन क्लासेस अभी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आसानी से आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं। और दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अब बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। बहुविकल्पी क्वेश्चंस में देखिए, पहला क्वेश्चन है हिंदी में व्यंजन ध्वनियां हैं, ऑप्शंस हैं 47, 43, 46 और 45। दोस्तों, 47, 43, 46 और 45 दिया हुआ है और इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। दिखाती हूं मैं आपको कैसे। देखिए, ये वर्णमाला है, हिंदी की वर्णमाला आप सभी को पता है स्वर और व्यंजन में डिवाइड है। अब यहाँ पर स्वर तो हर स्वर दीर्घ में बटा हुआ, ये आपको पता है, ये टोटल 11 वर्ण होते हैं। और हम व्यंजन की बात कर रहे हैं तो हमें व्यंजन से मतलब है, तो हम व्यंजन वर्णों को सबसे पहले देखेंगे कितने व्यंजन वर्ण होते हैं। टोटल जो हिंदी में वर्णों की संख्या होती है, कुल 52 अक्षर होते हैं, ये आप सभी को अच्छे से पता है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इन सब से मिलकर के ही आपका टोटल 41 व्यंजन होते हैं। आप देखिए यहाँ पर, ये सभी को आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे टोटल 41 आ रहे हैं और ये आपके स्वर हो गए 11 स्वर, 11 स्वर और 41 व्यंजन को जोड़ करके टोटल 52 वर्ण आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो व्यंजनों की संख्या है वो 41 है। दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन है इसको लेकर के, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हिंदी में व्यंजन ध्वनियां 41 होती हैं, लेकिन दोस्तों इसमें कहीं कहीं पर बहुत कंफ्यूजन दिया होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको कंफ्यूजन को काफी हद तक दूर करने की कोशिश की है। दोस्तों, यहाँ पर 41 आप बिल्कुल मान सकते हैं। और अब इसके आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है 12, 15, 11 और 10। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या है आप देखिए 4 वर्ण यहाँ पर ह्रस्व और यहाँ पर देखिए 7 वर्ण दीर्घ, 7 और 4 मिलकर के 11 वर्ण। तो स्वर अगर 11 हो गए तो व्यंजन कितने होंगे, 41 होंगे, तभी तो टोटल 52 वर्ण आएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर सही दिया हुआ है, ऑप्शन सी 11 वर्ड बिल्कुल सही दिया हुआ। तो यहाँ पर भी इसको 41 देना चाहिए था, तब तो दोनों को जोड़ने पर टोटल 52 वर्ड आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका कंफ्यूजन अच्छे से दूर हो गया होगा कि हिंदी में व्यंजन ध्वनियां 41 और स्वर जो है वो टोटल 11, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 41 आपको बताया। अब इसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, त वर्ड का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन है स्पर्श, कंठ, ओष्ठ या फिर दंत। दोस्तों, त वर्ड का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आप खुद ही बोल के देखिए, त था द ध, आप देखेंगे कि आपकी जो जीभ है वो दांत से आपके ऊपर के हिस्से से दांत के टकरा रही है, तो अगर दांत से टकरा रही है तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंत हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, छ त्र ज्ञ व्यंजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। छ त्र ज्ञ ये तीनों ही संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कैसे है, जो छ है वो क और श से मिलकर बना है, जो त्र है वो त और र से मिलकर के बना है, जो ज्ञा है वो ज और इ से मिलकर बना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है उन्हें डैश डैश कहते हैं। दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और जिनके
जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यहां पर एक मात्रा का समय पूछा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्रस्व स्वर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्न में संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शंस हैं छ, त्र, ज्ञ। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि छ, त्र, ज्ञ तीनों ही संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने इसको समझाया भी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सब। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। श्रवण कौशल शिक्षण की विधियां हैं। यानी कि श्रवण कौशल का मतलब है कि बच्चे आप जो भी बोल रहे हैं आपकी बात को ध्यान से सुने, और उनकी जो सुनने की इंद्रियां हैं उनके कान बिल्कुल एक्टिव रहें। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है, प्रश्नोत्तर प्रणाली, सस्वर वाचन, भाषण या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों, श्रवण कौशल यानी कि सुनने का जो कौशल है उसको विकसित करने के लिए प्रश्नोत्तर प्रणाली भी अच्छी होती है, सस्वर वाचन भी अच्छा होता है और भाषण भी अच्छा होता है, क्योंकि भाषण भी ध्यान से बच्चे सुनते हैं। प्रश्नोत्तर प्रणाली में जब तक आप किसी के सामने वाले के प्रश्न को ध्यान से सुन करके समझेंगे नहीं, तब तक आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। और सस्वर वाचन में इसी तरीके से जब टीचर पढ़ते हैं तो टीचर के साथ बच्चों को पढ़ना होता है, तो तभी भी उनको ध्यान से सुनना पड़ता है। तो इस तरीके से जो श्रवण कौशल है, ये श्रवण कौशल की तीनों ही विधियां हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुनासिक व्यंजन होते हैं। दोस्तों, अनुनासिक व्यंजन का मतलब ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण नासिका से यानी कि नाक से होता है। तो जो प्रत्येक वर्ण के पांचवें वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, अंगा पांचवा वर्ण है, च, छ, ज, झ, इय, इय पांचवा वर्ण है च वर्ग में। इसी तरीके से ट, ठ, ड, ढ, अणा, तो अणा है। तो जो लास्ट के वर्ण होते हैं, पांचवें वर्ण जो होते हैं प्रत्येक वर्ग के, वो होते हैं अनुनासिक व्यंजन। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों देखिए, प्रकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, प्रकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, अशुद्ध उच्चारण के कारण नहीं है भौगोलिक प्रभाव, शारीरिक दोष, ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना या फिर दीन भावना। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगर बच्चे को आप ध्वनि तत्व का ज्ञान कराएंगे तो उसका अशुद्ध उच्चारण वो करेगा ही नहीं, वो शुद्ध उच्चारण करेगा। तो इस तरीके से अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं हो सकता है ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना। अगर आप ध्वनि तत्व का ज्ञान कराएंगे, बच्चों को स्वर व्यंजन क्या होते हैं ये सब बताएंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे गलती करेंगे नहीं और उनका उच्चारण भी क्या होगा, शुद्ध होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बाकी भौगोलिक प्रभाव, शारीरिक दोष, दीन भावना, ये सभी अशुद्ध उच्चारण के कारण हैं, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है कारण नहीं है कौन सा, तो अगर बच्चे को ध्वनि तत्व का ज्ञान होगा तो वो गलती करेगा ही नहीं, वो सभी वर्णों को सही से बोलेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन है व्यंजन, शब्द, स्वर या फिर वर्ण या ध्वनि। तो दोस्तों, ऑप्शन डी जो है, वर्ण या ध्वनि, यही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्योंकि सबसे छोटे क्या होते हैं, वर्ड होते हैं, वर्डों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि होती है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अयोग वाह है। ऑप्शन है विसर्ग, अल्प प्राण, महाप्राण। ऑप्शन डी है संयुक्त व्यंजन। दोस्तों, जो अयोग वाह है वो है विसर्ग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या है। उत्क्षिप्त व्यंजन दोस्तों किसे कहते हैं, आप लोग देख लीजिए, ये है ड और ये है ढ, इसी को हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दो, ये बिल्कुल सही है, आपने देख भी लिया कौन कौन से व्यंजन है वो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्धसंवृत्त स्वर है। ऑप्शन है ए, ओ, आ या फिर इनमें से कोई नहीं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख द्वार अर्धसकरा हो जाता है दोस्तों, तो ऐसे वर्णों को हम कहते हैं अर्धसंवृत्त स्वर, ठीक है। जो अर्धसंवृत्त स्वर हैं वो यहाँ पर ए और ओ दोनों हैं, क्योंकि जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख द्वार अर्धसकरा हो जाता है, ऐसे स्वरों को हम अर्धसंवृत्त स्वर कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, और यहाँ पर दिया नहीं हुआ है। और जो ऑप्शन सी दिया हुआ है, आ, जो आ होता है दोस्तों ये होता है विवृत स्वर, ठीक है,
विवृत स्वर में क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुला रहता है वो विवृत स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आ है, जब आ बोलोगे तो आपका पूरा मुख खुल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दोनों ए और ओ दोनों ही अर्ध संवृत स्वर हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। तो यहाँ पर दिया नहीं है तो इसलिए, लेकिन आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी भाषा में मूल या विशुद्ध व्यंजनों की संख्या है। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि जो मूल व्यंजन है, जो टोटल व्यंजन हिंदी भाषा में होते हैं, हिंदी भाषा में टोटल जो व्यंजन है वो 41 है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में 35 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में 34 है और ऑप्शन डी में 40 है। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, हिंदी भाषा में मूल या विशुद्ध व्यंजनों की संख्या है। अब आपको तो पता है 41, आपको मैंने क्वेश्चन में बता दिया, पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि 41 है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में दिया ही नहीं है 41, तो आप क्या लगाओगे? आपको तो कोई ना कोई एक ऑप्शन वहां पर टिक करके आना है, आपको उसका आंसर लिख करके आना है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है 33 को सही मान सकते हैं। अब 33 को कैसे सही मान सकते हैं ये मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो टोटल यहाँ पर दो वर्ड और जोड़े गए हैं इनको आप मत रखिए, अभी अभी केवल 25 रखिए, ठीक है, 25 रखिए, 25 ये हुए और अंत्यस्थ व्यंजनों को आप जोड़ लीजिए यारा लावा को, तो ये 25 और 4 ये आपके 29 वर्ड हो गए। और यहाँ पर दोस्तों जो आपका उष्ण व्यंजन दिया हुआ है शा 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 और हा, इनको अगर आप जोड़ लेते हो 4 और 4 ये 8 वर्ड और ये 25 वर्ड, तो ये पूरा मिल करके आपका 33 वर्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 33 यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर टोटल बात हो रही है कुल कितने व्यंजन होते हैं तो आपको सभी को जोड़ करके 41 यहाँ पर लिखना है। लेकिन यहाँ पर मूल रूप से पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो छ त्र ज्ञा और स्र बना हुआ है, ये जो 4 वर्ड बने हुए हैं ये दोस्तों यहाँ पर ये बने हुए हैं, आप सभी को अच्छे से पता है ये सभी बने हुए हैं। छ बना हुआ है क और श से मिलकर, त्र बना हुआ है त और र से, ज्ञा मिला हुआ है ज और य से, और स्र मिला हुआ है श और र से मिलकर के। तो ये तो संयुक्त व्यंजन है, ये इन्हीं व्यंजनों से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। और यहां पर देखिए ये भी वर्ड इन्हीं वर्डों से मिलकर के बने हुए हैं, आगत भी। और यहां पर ये जो ड और ढ आप देख रहे हैं ये भी यहाँ ड ढ से मिलकर के ये दोनों बने हुए हैं। तो इस तरीके से अगर इनको आप निकाल देते हैं, ये दो वर्ड यहां से, दो वर्ड ये और ये 4 वर्ड, तो टोटल आपके जो बचते हैं वो बचते हैं 33 वर्ड, जो बिल्कुल मूल रूप से ध्वनियां होती हैं, ठीक है, जो बिल्कुल मूल स्वर होते हैं। और ये जो आगत है, संयुक्त है और ये ड ढ है, ये तो इन्हीं से मिलकर के बना हुआ है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो केवल आपको 33 यहाँ से 33 व्यंजन आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो कुल व्यंजन होते हैं वो 41 यानी कि 41 होते हैं, तो 41 कैसे होते हैं ये भी आपने देख लिया, ठीक है। लेकिन हमको ये भी पता है कि टोटल जो जो टोटल वर्ड होते हैं, कुल वर्ड होते हैं हिंदी में, वो होते हैं 52। तो अगर हम 52 वर्ड काउंट करेंगे तो हमको यहाँ पर पूरा 11 और 41 मिल करके 52 यहाँ पर हमको बनाना है। और इस तरीके से अगर इन सबको हम जोड़ेंगे तभी यहाँ पर टोटल हमको 52 मिलता है। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में ऑप्शन में नहीं दिया दोस्तों, तो आप अगर 33 भी लगा के आते हैं तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, इसमें इन दोनों वर्डों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी इन्हीं से मिलकर के बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ड के नीचे बिंदी लगाई गई तो ड बन गया, ढ के नीचे बिंदी लगाई गई तो ढ बन गया, तो इस तरीके से ये भी इन्हीं से मिलकर के बने हुए हैं। तो अगर हम स्पर्श व्यंजन 25 स्पर्श व्यंजनों को लेते हैं, अंतस्थ व्यंजनों को लेते हैं और उष्ण व्यंजनों को लेते हैं, तो ये पूरा मिलकर के हमारे मूल व्यंजन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आगत है, संयुक्त है, ये सब इन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। और ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन जो है ये भी ड और ढ से मिलकर के बने हुए हैं, इनके नीचे बिंदु लगा दिया गया है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस तरीके से जो मूल व्यंजन है वो 33 है। आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों इस चीज को कि अगर एग्जाम में हिंदी भाषा में मूल या विशुद्ध
विशुद्ध व्यंजनों की संख्या पूछता, मतलब शुद्ध शुद्ध कितने हैं, तो वो हो जाएंगे 33। और अगर केवल क्वेश्चन पूछता है हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, मूल नहीं लगाता है, विशुद्ध नहीं लगाता, तो कितना आप लिखोगे, 41 लिखोगे, बिना किसी टेंशन के, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मूल और विशुद्ध पूछा है तो आपको बिल्कुल सही सही व्यंजनों की संख्या बतानी है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33। दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, वर्णमाला का आशय है। वर्णमाला, वर्ड, वर्ड की माला, वर्णों की माला, यानी कि वर्णों का संकलन। तो यहाँ पर आप देखिए, जो वर्णों का संकलन है, पहले स्वर है, फिर व्यंजन आते हैं, तो एक व्यवस्थित क्रम है वर्णों का। अ से लेकर के अहा तक आप पढ़ते हो, फिर उसके बाद क से लेकर के ज्ञा तक पढ़ते हो, तो ये क्या है, ये वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है जो वर्णमाला होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है, वर्णों के व्यवस्थित समूह से, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी भी दिया हुआ है, वर्णों के संकलन से, लेकिन ये सही नहीं होगा, क्योंकि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण है, 52 है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 52 वर्ण है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 है, जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है। ऑप्शन है आ, अ, उ, उ। दोस्तों ज, ज, ल, पीछे क्या आ रहा है, ज के बाद अ आ रहा है, ल पढ़ रहे हो आप, ल अ आ रहा है, तो यानी कि इसमें कौन सा स्वर है। आप सभी को पता है कि जो अ होता है वो सभी में होता है, सभी वर्णों में होता है, सभी व्यंजनों में होता है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, छ संयुक्त वर्ण संयोग से बना है। दोस्तों छ, त्र, ज्ञ और श जो है ये संयुक्त वर्ण है, और ये व्यंजनों को मिलाने से ही, दो व्यंजनों को मिलाने से ही बनते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, क और श को मिला करके बना है। और दोस्तों जो जो आगे क है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको सही सही लगाना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 है, ह्रस्व स्वर कौन नहीं है, अ, ई, उ, आ। तो दोस्तों अ, ई, उ, ये तीनों ही ह्रस्व स्वर हैं, लेकिन आ क्या है, दीर्घ स्वर है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, य, र, ल, व व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व, दोस्तों आप सभी लोगों को अच्छे से पता है, मैंने शुरू से अभी आपको बताया भी है चार्ट में, कि य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं, श, श, श और ह। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन में आपको पता है छ, त्र, ज्ञ और श, श्र, छ, त्र, ज्ञ और श्र। इसके अलावा द्विगुण व्यंजन जो होते हैं, द्विगुण व्यंजन में ड और ढ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, ड, ढ वर्ण है। ऑप्शन है उत्क्षिप्त, अंतस्थ, संयुक्त या फिर उष्म। तो दोस्तों अभी मैंने द्विगुण व्यंजन में भी ड और ढ बोला है, और इन्हीं को हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, या उत्क्षिप्त वर्ण भी कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्क्षिप्त वर्ण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, श का उच्चारण स्थल है। श, अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है, तालु, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से आज आपने चैप्टर नंबर 1 में सभी क्वेश्चंस बहुविकल्पीय कर लिए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि कहीं आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। दोस्तों बहुत ही अच्छे से मैंने आपके कंफ्यूजन को भी क्लियर करने की कोशिश की है, इसीलिए मैंने चार्ट के माध्यम से आप लोग को अच्छे से समझा दिया है। और इसके बाद हम इसी चैप्टर के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी अच्छे से हम बताएंगे आपको डिस्क्राइब करके, जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप अच्छे से एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं। तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको सभी विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, और सभी विषयों का दोस्तों हम लोगों ने पूरा पवन सीरीज, राजन सीरीज कंप्लीट पढ़ा दिया है। तो अगर आपने सीरीज नहीं भी ली है तो आपको खरीदने की कोई जरूरत भी नहीं है। आप अगर हमारे चैनल से पढ़ते हैं दोस्तों, जितना हमने कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया है, अगर आप उतना केवल पढ़ करके अच्छे से एग्जाम में जाते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छा मार्क गेन करेंगे और आप लोग एग्जाम में
बहुत ही अच्छा करके आएंगे। दोस्तों इसके लिए आपको बस हमारे चैनल से सभी वीडियोस को देखना है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद दोस्तों।